स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। आज दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा दुनिया की पांच सबसे बड़ी मैनमेड मशीन्स। आज हमारा मॉडर्न इंजीनियरिंग कहाँ पहुँच गया है, किस काबिल हो गया है कि इतनी बड़ी मशीनें बना पाया है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर पाँच पे आता है लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन बर्था। बर्था एक टनल बोरिंग मशीन है जो कि अलास्कियन वे वर्ल्ड रिप्लेसमेंट टनल प्रोजेक्ट के लिए सिएटल में बनाई गई थी। दोस्तों बर्था नाम फीमेल मेयर सिएटल के नाम से रखी गई थी। दोस्तों इस मशीन की लेंथ है 300 फीट और डायमीटर है 57.5 फीट और दोस्तों इस मशीन का वेट है 7000 टन। दोस्तों नंबर फोर पे आती है OOCL हांगकांग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिपिंग शिप है। ये दोस्तों लगभग 21,413 TEUF का वेट उठा लेती है। दोस्तों इसमें दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल कंबशन इंजन लगा है जो कि लगभग 80,000 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। तो इस मशीन की लेंथ है 400 मीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आर की और दोस्तों ये लगभग 1,97,317 टन का वेट उठा लेती है। नंबर फोर पे दोस्तों दुनिया का आता है लार्जेस्ट एक्सकेवेटर जिसका नाम है बैगर 288। दोस्तों ये एक सिबलिंग है बैगर 281, बैगर 285 और बैगर 287 का। दोस्तों इसको बनाया था जर्मन कंपनी क्रप ने जो जिसका काम है बकेट व्हील एक्सकेवेट करना। दोस्तों ये लगभग 2,40,000 टन तक कोल एक्सकेवेट कर लेती है। दोस्तों ये लगभग 16.56 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लेती है ऑपरेट होने में। ये लगभग 2 से 10 मीटर तक नीचे ट्रेवल कर सकती है और ये लगभग 5 मीटर तक स्लोप क्लाइम कर सकती है। अगर दोस्तों इस मशीन की लेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसकी लेंथ है 220 मीटर और हाइट है 96 मीटर और दोस्तों इस मशीन का वेट है 13,500 टन। अब हम बात करते हैं नंबर टू पे। नंबर टू पे आता है ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F6। F60 एक सीरीज है 5 ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज का। काम है लुस्टेशियन कोल फील्ड में कोल को माइन करना जो कि जर्मनी में पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कोल माइन करके भी ट्रांसपोर्ट करती है। इस मशीन की लेंथ है लगभग 60 मीटर। ये दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी मूविंग मशीन है। इसका विड्थ है 240 मीटर और इसकी हाइट है 80 मीटर और दोस्तों इस मशीन का वेट है लगभग 13,600 मैट्रिक टन। इस मशीन को दोस्तों लाइंग आईफिल टॉवर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नंबर वन की। नंबर वन है लार्ज हैड्रन कोलाइडर। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर मशीन है जो कि एक्सपेरिमेंटल बनाई गई थी। तो इसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए बनाया था और ये 1998 और 2008 के बीच बनी हुई थी। इसको लगभग 10,000 साइंटिस्ट और लगभग 100 कंट्रीज के इंजीनियर ने मिलकर बनाया था। दोस्तों ये मशीन एक टनल में पाई जाती है जो कि 27 किलोमीटर सर्कमफेरेंस में है और लगभग 175 किलोमीटर डीप है और दोस्तों ये मशीन लगभग फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर पाई जाती है। तो ये मशीन बनाई गई थी पार्टिकल फिजिक्स और हिग्स बोसोन पार्टिकल को अंडरस्टैंड करने में। ये बेसिकली गॉड पार्टिकल को जानने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।